सो वेलकम बैक टू एस ग्रुप, माय नेम इज आमिर एंड आई एम योर अकाउंटिंग ट्रेनर। उम्मीद करता हूँ आपने पिछली क्लास को देख लिया होगा। पिछली क्लास में हमने देखा था एसेट्स क्या है, एसेट्स कितने प्रकार के होते हैं, एसेट्स की एंट्रीज को कैसे बनाया जाता है और साथ ही साथ टैली प्राइम में एसेट्स की एंट्रीज को पैसे पास किया जाता है। अब यहाँ पर उस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद दिया गया है 50,000 रुपये का और 30,000 रुपये का फर्नीचर बेचा गया है। ऐसे ही अगली एंट्री में आप देखेंगे तो 50,000 रुपये SBI बैंक में डिपॉजिट किए गए हैं, डाले गए हैं। अगली एंट्री में आप देखेंगे तो 50,000 इस बार SBI बैंक से निकाले गए हैं। यहाँ पर 10,00,000 रुपए की बिल्डिंग परचेज की गई है, लेकिन आधा पैसा SBI चेक के रूप में और आधा पैसा कैश के रूप में दिया गया है। अगली आप एंट्री देखेंगे तो फर्म ने इस बार बेचा है लैंड 10,00,000 रुपए का, 5,00,000 रुपए SBI चेक में रिसीव किया है और यहाँ पर 5,00,000 रुपए BOB चेक में रिसीव किया है। अगली एंट्री आप देखेंगे लास्ट यहाँ पे लिखा हुआ फर्म परचेज्ड टूल ऑफ 5,000 रुपीज एंड परचेस्ड कंप्यूटर ऑफ 50,000 रुपीज। यहाँ पर आप देखेंगे तो दोनों ही चीज़ें परचेज की गई हैं। टूल्स हैं 5,000 रुपए के और यहाँ पर कंप्यूटर है 50,000 रुपए का। अगर आपने पिछली क्लास को कायदे से देखा है तो ये एंट्रियाँ बनाना आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। सबसे पहले आपको थोड़ा टाइम लेना है, आपको ट्राई करना है खुद से इन एंट्रीज को बनाने का। फिर तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप इन एंट्रीज को कैसे बनाएंगे और मैं आपको टैली प्राइम में इन एंट्रीज को पास करके भी दिखाता हूँ। तो वीडियो को पॉज कर लीजिए और पहले बनाकर देख लीजिए। चलिए अब देखते हैं कि अगर हमें एंट्रीज को बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहली एंट्री थी फर्म परचेज्ड कंप्यूटर ऑफ 50,000 एंड सोल्ड फर्नीचर ऑफ 30,000 रुपीज। अगर हमें इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे। पिछली क्लास में मैंने डिटेल में आपको समझा दिया था कि कंप्यूटर हमारा एसेट्स है, एसेट्स जब भी बढ़ते हैं तो उनको हम बाई करते हैं, जब भी घटते हैं तो उनको हम टू करते हैं। क्योंकि कंप्यूटर हमने खरीदा है तो कंप्यूटर बढ़ा है, इसलिए हमने बाई कंप्यूटर किया है 50,000 रुपीज़, और चूँकि हमें कंप्यूटर के बदले कैश देना पड़ा होगा तो हमने कैश को टू कर दिया है, तो यहाँ पर हमने डाला है टू कैश 50,000 रुपीज़। अगले में क्या हुआ, आपने फर्नीचर बेचा है तो इस बार फर्नीचर बेचेंगे तो आपको कैश मिल जाएगा। तो कितना कैश मिला है, जितना भी कैश मिलेगा एसेट्स बाई में आएगा, तो बाई हमने कैश कर दिया 30,000 रुपीज और टू फर्नीचर किया, फर्नीचर बेचा हमने तो माइनस कर दिया 30,000 रुपीज। ओवरऑल आप देखेंगे तो यहां पे बाई का कैश है 30,000 रुपए और टू का कैश है 50,000 रुपए। दोनों को आपस में एडजस्ट करेंगे तो टू का ही बचेगा आपको 20,000 रुपीज। ओवरऑल जो एंट्री बनेगी, बाई कंप्यूटर अकाउंट 50,000, टू फर्नीचर अकाउंट 30,000 एंड टू कैश अकाउंट 30,000। अगर आप ओवरऑल देखेंगे इस एंट्री को तो आपको पता चलेगा कि आपके पास से कैश जा रहा है किसी और के पास, क्योंकि आपने 50 का कंप्यूटर खरीदा था जबकि मात्र 30,000 रुपए का ही फर्नीचर बेचा है, तो 20,000 रुपए आपके पास से किसी और के पास जा रहा है। इसका मतलब ये है, इस एंट्री को अगर हमें पास करना होगा तो हमें इसके लिए पेमेंट वाउचर का इस्तेमाल करना होगा। अभी मैं आपको पास करके भी दिखाता हूँ टैली सॉफ्टवेयर में कैसे पास करते हैं। अगली एंट्री लिखे हुए फर्म डिपॉजिटेड 50,000 रुपीज़ इन SBI बैंक। फर्म ने 50,000 रुपए SBI बैंक में डाले हैं, तो मैंने कहा जब आप 50,000 रुपए SBI बैंक में डालेंगे तो आपके पास से कैश घटेगा और आपका बैंक बढ़ेगा। ठीक है, तो जब यहाँ पर एसेट्स यानी बैंक बढ़ रहा है तो बैंक बढ़ता है तो उसको हम बाई कर देते हैं, और हमारे पास से कैश घटता है तो उसको हम टू कर देते हैं। तो यहाँ पर जो एंट्री बन जाएगी, आ जाएगा बाई SBI अकाउंट 50,000, टू कैश अकाउंट 50,000। अगली एंट्री में चूँकि हमने विड्रॉ किया था, निकाला था, तो इस बार उल्टा हो जाएगा। जब आप किसी भी बैंक से पैसे निकालते हैं तो पैसा बढ़ता है और वो बैंक घट जाता है। तो हमने SBI बैंक से 50,000 रुपए निकाले तो मेरे पास कैश बढ़ा। जो चीज़ बढ़ती है उसको हम बाई करते हैं और जो चीज़ घटती है उसको हम टू करते हैं। तो कैश बढ़ा तो हमने किया बाई कैश अकाउंट 50,000 रुपीज़, और चूंकि बैंक घट गया तो हमने किया टू SBI अकाउंट 50,000 रुपीज़। यहाँ पर आप देखेंगे तो ना ही आपने किसी को पैसा दिया, ना ही आपने किसी से पैसा लिया। ये पैसा आपने अपने बैंक में डाला है या फिर अपने बैंक से निकाला, इसको हम ना ही पेमेंट कहते हैं ना ही रिसिप्ट कहते हैं, ये हमारा है कॉन्ट्रा। तो आपको इस एंट्री को कॉन्ट्रा वाउचर के अंतर्गत पास करना होगा। ऐसे अगली एंट्री लिखे हुआ है, लिखा हुआ फर्म ने इस बार 10,00,000 की बिल्डिंग खरीदी है, तो 10,00,000 रुपए की बिल्डिंग बढ़ा लीजिए पहले, बाई बिल्डिंग 10,00,000, 5,00,000 रुपए आपको SBI चेक में और 5,00,000 रुपए कैश देना है। तो पहले 5,00,000 रुपए SBI घटा दीजिए और 5,00,000 कैश घटा दीजिए। ध्यान रखिए पूरा कैश मत डालिए, क्योंकि आधा पैसा SBI चेक के रूप में गया है तो टू में हम SBI 5,00,000 करेंगे, सॉरी, क्योंकि ये हमारे अकाउंट से कट जाएगा। सेम टू सेम कैश यहाँ पर हमारा 5,00,000 रुपए हमारे
तिजोरी से कट जाएगा, तो कैश इन हैंड जितना भी होगा उसमें से 5 लाख माइनस हो जाएगा। तो ओवरऑल देखेंगे तो इस बार हमने पेमेंट किया है 2 माध्यमों में, आधा पेमेंट किया है SBI के थ्रू, आधा पेमेंट किया है कैश के थ्रू। तो ये एंट्री आपके पेमेंट वाउचर के अंतर्गत चली जाएगी। अगली एंट्री आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ फर्म सोल्ड लैंड ऑफ 10 लाख, 10 लाख की जमीन बेच दीजिए, मतलब माइनस कर दीजिए, 2 लैंड 10 लाख। अब जो भी पैसा आएगा आधा आधा है, आधा SBI में है, आधा BOB में है, तो दोनों को बाय करके आधा आधा कर लीजिए। तो बाय में SBI 5 लाख, बाय में कैश 5 लाख। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपने पिछली क्लास को देखा है तो ये आपके लिए हलवा होगा, अदरवाइज फिर तो प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। पहले आप पिछली क्लास को देख लीजिए तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। अगली एंट्री लिखे हुआ है फर्म परचेज टूल ऑफ 5,000 रुपीज़ एंड परचेज्ड कंप्यूटर ऑफ 50,000। दोनों मिलाकर देखेंगे तो 55,000 रुपये का सामान खरीदा है, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। 5,000 रुपये का टूल्स और 50,000 रुपये का यहाँ पर कंप्यूटर है। तो टोटल में आपका जो जो चीज़ें बढ़े उनको बाय कर दीजिए, तो बाय टूल्स 5,000, बाय कंप्यूटर 5,000, टोटल मिला के कैश आपका हो गया 55,000 रुपीज़। अब यहाँ पर मान लीजिए हम इन एंट्रीज को पास करना चाहते हैं टैली प्राइम में, तो क्या करेंगे उसके लिए? सबसे पहले यहाँ पे मैं टैली प्राइम सॉफ्टवेयर को अपने ओपन करूंगा, और टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में हमें किन लेजर्स की जरूरत पड़ेगी वो देख लीजिए। पहली एंट्री में कंप्यूटर आया है, यहाँ पे लिखा हुआ है फर्नीचर आया है, कैश आया है। दूसरी एंट्री में देखेंगे SBI कैश आया है। तीसरी एंट्री में देखेंगे ऐसे ही यहाँ पर ऑलमोस्ट सारी डिटेल्स दे रखी है। सबसे पहले हम कंटिन्यू एजुकेशन मोड पे जाएंगे और हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। उसके लिए यहाँ से मैं Alt F3 कर देता हूँ, और Alt F3 पे क्लिक करने के बाद यहाँ से मैं पहला चैप्टर मैंने ख़त्म किया है, इसलिए मैंने पहले चैप्टर का नाम एसेट्स रखा था। तो मैं कंपनी का नाम भी यहाँ से एसेट्स प्राइवेट लिमिटेड कर देता हूँ, जस्ट फॉर द नॉलेज पर्पस। यहाँ से मैं एड्रेस डालता हूँ घाटमपुर कानपुर नगर। इंटरप्रेस करूंगा, इंटरप्रेस करने के बाद यहाँ से हमें स्टेट सेलेक्ट करना है तो उत्तर प्रदेश हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे हम पिन कोड डालेंगे 2092 06। इतना बस डालने के बाद मैं कंट्रोल लेकर के इसको सेव करता हूँ। यहाँ पे अभी हम GST में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी हमको उसको समझना बाकी है। यहाँ से हम स्केप करके आगे आ जाएंगे। अगला काम क्या करना है आपको, इन एंट्रीज को पास करना है। एक बार हम एंट्रीज दोबारा से देखते हैं कि हमें इन एंट्रीज को पास करना है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, पहली एंट्री में हमने 30,000 रुपीज़ को अप्रॉक्सीमेटली पेमेंट किया है। कंप्यूटर आया है, फर्नीचर आया है, और कैश आया है। चाहे तो आप डायरेक्टली इस एंट्री को पास कर सकते हैं, चाहे तो पहले लेज़र बना लीजिए। मैं डायरेक्टली पास करके दिखाता हूँ। तो हम वाउचर पे जाएंगे और पेमेंट सिलेक्टेड है। अब यहाँ पे DR आ रहा है। अगर आप इसको बाई एंड टू में कन्वर्ट करना चाहते हैं CRN DR को, तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे आपको कन्फिगर दिखाई देता है, आप इस पे क्लिक करें, और यहाँ पे जहाँ पे CRN DR दिखाई दे रहा है यस, इसको आप नो कर दें एंड कंट्रोल ले करके इसको सेव कर दें। जैसे आप सेव करेंगे तो बाई एंड टू हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको याद होगा तो सबसे पहले हमने क्या किया था, हमने कंप्यूटर परचेस किया था, तो बाय में कंप्यूटर जाएगा। चूंकि लेजर बनाया नहीं है तो बनाना पड़ेगा, उसके लिए हम क्रिएट पे जाएंगे और यहां पे हम टाइप करेंगे कंप्यूटर, एंटरप्रेस करूंगा, एंटरप्रेस करूंगा। कंप्यूटर हमारा फिक्स एसेट्स होता है, मैं पहले समझा चुका हूं पिछली क्लास में। और यहां से हम 50,000 रुपये एंटर कर देंगे। तो यहाँ से 50,000 रुपये एंटर करने का, टू में हमें डालना है फर्नीचर, तो फिर से क्रिएट पे जाएंगे और यहां से हम फर्नीचर बनाएंगे। एंटरप्रेस करूंगा, फिक्स एसेट से भी होता है, कंट्रोल लेकर के सेव करूंगा। 30,000 रुपये का था, 30,000 रुपये एंटर प्रेस करूंगा। टू में कैश डालना है, तो कैश कितना था, 20,000 रुपीज़ पड़ गया। कंट्रोल ले करके आप इस एंट्री को पास कर सकते हैं। तो ये आपकी हो गई पहली एंट्री। अगली एंट्री में हमने क्या किया था, SBI बैंक से हमने यहाँ पर देखिए पैसा डाला था SBI बैंक में, कॉन्ट्रा में है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ से हम कॉन्ट्रा वाउचर सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अच्छी बात है। अब हमें क्या करना है, हमें SBI बैंक में पैसे डालने हैं, तो हमें क्या करना होगा, कैश को माइनस करना होगा। तो यहाँ से हम कैश माइनस करते हैं, कितना, जितना पैसा डाल रहे हैं बैंक में 50,000 रुपये। अब जिस बैंक में डाल रहा हूँ उसमें आपको प्लस करना पड़ेगा, तो बाय में यहाँ पे SBI हमें बनाना पड़ेगा क्योंकि अभी हमने बनाया नहीं था। तो यहाँ से मैं डालूँगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, चाहे तो आप SBI बना सकते हैं। ये हमारा बैंक अकाउंट रहता है, इस पे ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ पिछले ही वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देख ले। इसके बाद इंटरप्रेस करते हुए आपको यहाँ पे कितने कितने के नोट्स थे, अगर आपके पास डिटेल है तो वो आप यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। अगली एंट्री में हमने क्या किया था, हमने SBI बैंक से 50,000 रुपये निकाले थे, जस्ट रिवर्स प्रोसेस है। तो जब आप पैसे निकालेंगे तो टू में SBI पड़ जाएगा क्योंकि बैंक घटेगा, कितना, 50,000 रुपये। तो यहाँ से मैं 50,000 रुपये ऐड करूँगा और आगे बढ़ते हुए मैं यहाँ से कैश के रूप में उसको विड्रॉ कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपकी ये तीसरी एंट्री भी कंप्लीट हो गई, हमने एक साथ 2 एंट्रियाँ पास कर ली। अब अगर हमें चौथी एंट्री पास करनी है तो देखना होगा इस बार क्या हुआ। यहाँ पे देख लीजिए पेमेंट हो रहा है, दोनों ही माध्यमों में बिल्डिंग खरीदी गई है। तो सबसे पहले आपको जाना है यहाँ से पेमेंट वाउचर सेलेक्ट कर लेना है। आपको बिल्डिंग खरीदना है तो बिल्डिंग बनाना पड़ेगा। तो यहाँ से मैं जाऊँगा और बिल्डिंग बना लेता हूँ। तो मैं बिल्डिंग लिख देता हूँ,
एंटर प्रेस करूंगा, एंटर प्रेस करूंगा, और बिल्डिंग हमारा होता है फिक्स एसेट्स, तो मैं फिक्स एसेट्स कंट्रोल लेकर के सेव करूंगा। आपको 10 लाख टाइप कर देना है, यहां से एंटर प्रेस कर दीजिए। अब आधा पैसा कैश के रूप में ले लीजिए, आधा पैसा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो यहां से मैं आधा पैसा एंटर 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 एंड देन आधा कैश, तो यहां से मैं कैश ले लेता हूं। कंट्रोल ए करके इसको सेव करा दीजिए। एंट्री पास हो गई है। अगली एंट्री आप देखेंगे यहां पे दिखाई दे रहा है, इस बार हमने क्या किया, जमीन बेचा था 10 लाख रुपए का, 5 SBI और 5 BOB के रूप में सेव किया है। इस बार हमें रिसीव होगा तो मैं रिसिप्ट पे जाऊंगा, और हमें बेचना है लैंड, तो मैं यहां से लैंड बनाऊंगा पहले, लैंड एंटर प्रेस करूंगा, कंट्रोल ए करके सेव करूंगा, 10 लाख रुपए की है, एंटर प्रेस करूंगा। आपको मिलना है SBI, तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 5 लाख रुपए, एंटर प्रेस कर दीजिए। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ जाइए, एंड देन आपको यहां से BOB बनाना पड़ेगा, तो मैं यहां से बनाऊंगा बैंक ऑफ बड़ौदा, एंटर प्रेस करूंगा, यहां से हमारा बैंक अकाउंट रहेगा, तो बैंक अकाउंट कंट्रोल लेकर के सेव कराऊंगा, और ये आपका 5 लाख हो गया, कंट्रोल लेकर के सेव करा दिया। अगली अगर हमें एंट्री देखनी होगी तो नीचे जाएंगे, यहां पे क्या किया, दोनों चीज़ों को परचेस किया गया है, 50,000 रुपये का कंप्यूटर है और 5,000 रुपये के टूल्स है, तो परचेज किया है, तो ऑब्वियस सी बात है पेमेंट करना पड़ेगा आपको। यहाँ पे पेमेंट के लिए यहाँ पे मैं जाऊँगा, और सबसे पहले मैं कंप्यूटर परचेस कर लेता हूँ 50 का, एंड अब हमें करना है टूल्स परचेज। तो टूल्स के लिए बी दबाइए, यहाँ पे पहले जो 2 है उसको बाय करिए, एंटर प्रेस करिए, और यहाँ से टूल्स बना लीजिए। तो मैं करता हूँ टूल्स, फिक्स एसेट्स है, कंट्रोल लेकर के सेव करता हूँ, कितने का है 5,000, एंटर प्रेस कर दीजिए। 2 में कैश आपका 55,000 रुपये आपके अकाउंट से निकल जाएगा, कंट्रोल लेकर के आप इसको पास कर देंगे। ओवरऑल एंट्रियाँ पास करने के बाद आपको डेटा देखना हो तो आप डेट बुक में जाके डेटा देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये एंट्रियाँ समझ आ गई होंगी, एक्सरसाइज आपने किया होगा पहले ही, चूँकि ऑलरेडी मैं इस पर पहले से एक सेपरेट टॉपिक बना चुका हूँ पूरा एसेट्स पे बेस्ड। तो अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक पे अगले वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे एक्सपेंसेस क्या है, एक्सपेंस को डिटेल में जानेंगे, एक्सपेंसेस कितने प्रकार के होते हैं, क्या है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, क्या है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, कैसे इनकी एंट्रीज को हम बनाते हैं, और कैसे हम टेलीप्राइम में इन एंट्रीज को पास करते हैं। आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही, बहुत जल्द मिलेंगे नए सेशन में, नई क्लास में। तब तक अपना ख्याल रखिए, अकाउंटिंग सीखते रहिए। बाय बाय एंड टेक केयर।